करने वाली हूँ देश की देवी लुक चैलेंज। तो मुझे कौन से देश की देवी बनना चाहिए, भारत का या पाकिस्तान का? देवी माँ, भारत के बच्चे बहुत प्यारे होते और भारत के बच्चे बहुत सच्चे भी होते, इसीलिए मैं भारत की देवी बनूंगी। तो मुझे भारत की देवी बनने के लिए क्या पहनना चाहिए, ये तिरंगे वाली साड़ी या ये लाल साड़ी? भारत के तिरंगे में तीन रंग होता है, नारंगी, सफेद और हरा, इसीलिए मैं तिरंगे वाली साड़ी पहनूंगी। देवी वाला मेकअप करना है या असुर वाला मेकअप करना है? असुर तो देश के सबसे बड़े दुश्मन होते, तो मैं असुर वाला मेकअप क्यों करूं? मैं देवी बनकर असुरों का विनाश करूंगी, इसीलिए मैं देवी वाला मेकअप करूंगी। गहने पहनने हैं या हाथों में आलता लगाना है? देवी तो दोनों ही करती है, इसीलिए मैं दोनों करूंगी। सिर में मुकुट पहनना है या लोगों को आशीर्वाद देना है? देवी तो सिर में मुकुट भी पहनती है और अपने बच्चों को आशीर्वाद भी देती है, इसलिए मैं दोनों ही करूंगी। हाथों में तिरंगा लेना है या त्रिशूल लेना है? तिरंगा मेरे देश का शान है, मेरा गौरव है, मेरा आत्मा सम्मान है, तो मैं तिरंगे को कैसे भूल सकती हूँ? और त्रिशूल लेकर मैं अपने दुश्मनों का विनाश करूंगी, इसीलिए मैं दोनों ही लूंगी। बच्चों, मैं हूँ देश की देवी, मैं तुम लोगों से एक वादा करती हूँ कि मैं तुम लोगों के ऊपर कभी भी एक खरोच तक आने नहीं दूंगी, लेकिन तुम लोगों को भी मुझसे एक वादा करना होगा। तुम लोग कभी भी हमारे देश के तिरंगे का अपमान नहीं करोगे और हमेशा अपने माता पिता का सेवा करोगे। जय हिंद, जय भारत। ए वतन वतन मेरे याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ रहूँ मैं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। माता, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, आज मैं आपके आशीर्वाद के कारण इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। अब मैं देश की सेवा करूंगा और आपके बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। माता, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बेटा, ये सब तुम्हारी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है, जाओ जाकर देश की सेवा करो। तथास्तु। धन्यवाद माता। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना और कॉमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।